मैं शालिनी सिंघल आज आपके सामने बहुत ही हेल्दी नाश्ता लेके आई हूँ। आज हम समोसे बनाएंगे। लॉकडाउन के समय लोगों को समोसे खाने के लिए नहीं मिल रहे, लेकिन मन तो सबका करता है। तो हेल्दी इसलिए कि मैं आज आटे के समोसे बताऊंगी आपको। एक बड़ा बाउल आटा लेंगे, छोटा बाउल उसमें आधा कटोरी आप सूजी लेंगे, मोइन के लिए 3 टेबल स्पून आप ऑयल लेंगे और 5 या 6 बॉइल्ड पोटैटो लेंगे, कैप्सिकम चॉप्ड, चॉप्ड कैरेट, चॉप्ड अनियन, और ये मिक्स करेंगे हम पोहे का बाइंडिंग के लिए, पोहे का आटा। ये मैंने स्लरी बनाई है समोसे को ऊपर से कोटिंग करने के लिए, जिसमें मैं थोड़े से तिलों का यूज और थोड़े से ओट्स का यूज करूंगी। अब ये किस प्रकार बनाते हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। अब हम समोसे का डो किस प्रकार लगाएंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम एक बाउल आटा जो लिया है हमने वो लेंगे, उसमें आधी कटोरी हमने सूजी ली है क्रिस्पी करने के लिए, थोड़ी सी अजवाइन, अगर आपके पास इस समय अजवाइन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना अजवाइन के भी बना सकते हैं, थोड़ा सा जीरा डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक, नमक हमें ध्यान से डालना है क्योंकि हमारे पोटैटोस के अंदर भी सॉल्ट होगा, और ये हमने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है मोइन के लिए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरा ऑयल चला जाएगा हमारा। अब पानी डालकर इसका डो लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालें। डो हमें कैड़ा लगाना है, पूड़ियों से थोड़ा सा हार्ड डो लगाएंगे। ये देखिए हमारा डो किस प्रकार लग गया है, ये केड़ा आप इसकी देख सकते हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, क्योंकि इसमें सूजी डाली थी, थोड़ा सा वो फूल जाएगी और आटा चिकना हो जाएगा। अब हम सबसे पहले जितनी देर हमारा डो रेस्ट करता है हम पोटैटो लेकर उसकी पिट्ठी बना लेते हैं, अच्छे से मैश करने हैं पोटैटो, कोई लम्स ना रहे। पोटैटो मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं, देखिए। अब इसमें हम चॉप्ड कीवी अनियन डालेंगे, चॉप्ड कीवी कैप्सिकम डालेंगे, आप मटर भी डाल सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी यही था तो मैं ये डाल रही हूँ। इसमें मसाले डालेंगे, कलर के लिए थोड़ी सी रेड चिली, चाट मसाला, भुना जीरा और गरम मसाला, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, धनिया पाउडर और सॉल्ट। सॉल्ट टेस्ट के अनुसार डालेंगे,
अब इस मिक्सचर को अच्छे से हाथों से मैश करेंगे। इसमें हम अब थोड़ा सा जो हमने ये पीसा था बाइंडिंग के लिए पोहे का आटा वो मिक्स कर लेंगे। ये इसलिए कि जो हमने चीजें अंदर डाली हैं वेजिटेबल्स वगैरह सॉल्ट के बाद वो थोड़ा सा अपना पानी छोड़ने लगती हैं, तो ये बाइंडिंग अगर होती है अंदर तो वो हमारे समोसों को फटने नहीं देती, उसमें से हमारी वो बाहर नहीं निकलती पिट्ठी। ये देखिए इस तरीके से हम अपना स्टफिंग बना लेंगे। अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और जो डो हमने रखा था रेस्टोरेंट के लिए उसको ले लेंगे। दो भागों में कट करेंगे। अब ये वाला डो हम बेलन की सहायता से बेलेंगे, इसको हम अभी रख देंगे। किनारे अगर फटते या टेढ़े मेढ़े होते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें ये कटोरी से काटना है। ये देखिए हमें इतनी थिकनेस चाहिए। अब हम एक छोटी कटोरी लेंगे और उससे सर्कल काट लेंगे। ये हमारा दोबारा काम आ जाएगा। अब हम ये सब एक साथ तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने सारे अपने जो डो लगाया था उसकी पूड़ियां इस तरीके से बना के रख ली हैं, और जो हमने पोटैटो का डो लगाया था उसके मैंने इस तरीके से लंबे लंबे कटलेट्स बना लिए हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से बनते हैं। हम इसे हाथ में लेंगे, एक लंबा पोटैटो की स्टफिंग इसमें रखेंगे, इसको घुमाएंगे और इसको अच्छे से दबाते हुए अंदर बंद कर देंगे। हाथों से इस तरीके से दबाया और फोक की सहायता से हम इसमें ऊपर से छेद कर देंगे ताकि हमारी पूरी फूले ना। ये छेद आप पहले भी कर सकते हैं या बाद में इस तरीके से स्टफिंग करने के बाद भी कर सकते हैं। अब मैंने ये स्लरी बनाई थी मैदा की, इसको इसके चारों तरफ ऐसे लगाएंगे। इससे हमारे जो अंदर पोटैटो हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे और ऊपर से ये तिल लगा देंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इनको बनाकर हम रख लेंगे। ये हम 2 से 3 दिन के लिए भी बना के रख सकते हैं।
तो देखिए ये हमने इस तरीके से अपने टैकोस सारे भर स्टफ कर लिए हैं। लग रहे हैं ना कितने सुंदर। ये तिल और ओट्स के, इनमें हम अब दो बैच बनाएंगे, एक मैं डीप फ्राई करके दिखाऊंगी और एक आपको एयर फ्रायर में करके दिखाऊंगी। एयर फ्रायर वाले बैच को हम ग्रीसिंग करेंगे इस तरीके से, सभी को एक तरफ थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब हम अपने सारे समोसों को 180 डिग्री पर 20-25 मिनट के लिए एयर फ्रायर में रख देंगे। बहुत बढ़िया तरीके से लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें सेकना है। ये देखिए हमारे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और ये अब उतरने के लिए तैयार हैं। लो फ्लेम पर हमें इसी तरीके से अपने सारे टैको समोसे बहुत पेशेंस के साथ उतार लेने हैं। बीच में हम लोग चेक करेंगे। ये देखिए हमारा एयर फ्रायर में लॉट जो तैयार हो रहा है, अभी इसमें काफी वो है कमी, तो इसे हम और कर देंगे। ये देखिए हमारे एयर फ्रायर वाले टैकोस किस तरीके से दिख रहे हैं, गोल्डन ब्राउन बिल्कुल, बहुत बढ़िया, परफेक्ट एकदम। 2-3 मिनट और लगेंगे बस, उसके बाद हम तैयार हैं प्लेटिंग के लिए। तो देखिए मेरे टैको समोसे बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। इधर ये डीप फ्राई टैको समोसे हैं और इधर एयर फ्रायर वाले। अब आप इन्हें देखिए और ललचाइए और जल्दी जल्दी बनाइए। चलिए अब मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ फिर आती हूँ। धन्यवाद।